टॉपिक ऑफ प्रेयर तो हम प्रार्थना के विषय पर आगे बढ़ेंगे prayer is very, very important in our Christian life. हमारे मसी जीवन में जो प्रार्थना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेयर ब्रिंग्स विक्टी और प्रार्थना जो है वो जय लेकर आता है प्रेयर ब्रिंग्स पीस एंड जॉय और प्रार्थना आनंद और शांति लेकर आता है सो माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन लुक लेवन वन ऑफ जीसस गोधर डिबल जीसस लॉर्ड प्लीज टीच टीचर्स हाउ टू प्रे लूका के आ, पहले अध्याय में आ, एक शिष्य ने यीशु से पूछा <laughs> कि यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाई है और यशु मसीह ने मती के छ अध्याय में प्रार्थना करना बताया है सो so, मैथ्यू चैप्टर वर्ड्स सिक्स जीसस टॉट मसीह ने मती अध्याय में स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करना बताया है एंड टू प्रे सीक्रेटली और गुप्त में प्रार्थना करना बताया है एंड प्रे विथ फ्यू वर्ड्स मींस ही

फर्स्ट वी विल हमें ये देखना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है यू इज देर ना काउंट your blessings वन by वन और एक ऐसा गीत है कि अपनी आशीषों को एक एक करके गिनिए। देन अवर हार्ट विल Regeist, how much God has done for me. और, और फिर हमारा मन जो होगा वो आनंदित होगा कि कितना हमारे लिए परमेश्वर ने किया है ऑटोमेटिकली आवर him. और अ, हमारा जो मन है वो परमेश्वर का धन्यवाद देने लगेगा कैन वी से लॉर्ड सो मच इन लाइफ और हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है So we will go to um, James chapter 1, verse 17. Uh, ka pehla adhyay, every good gift and every perfect gift is from above and is coming from the Father of light. Uh, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है यस सो व्हाटएवर वी हैव वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड तो जो कुछ भी हमारे पास है हमने परमेश्वर से पाया है सो दैट इज वे वी हैव टू बी थैंकफुल ऑलवेज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और इसीलिए हमेशा हमें धन्यवादी होना चाहिए भाई और बहनों <coughs> then uh, second thing is we have to i saw an advertisement in the tv or dusri baat it comes like this take time to enjoy life's pleasures Uh, और एक विज्ञापन है टीवी में ऐसा आता है कि समय लीजिए और अपने जीवन का आनंद उठाइए yes.

स्वीट कम्युनिकेशन विथ आवर हेवनली फादर और प्रार्थना करना हमारे परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है And, uh, our, our well to, to और हमारे परमेश्वर के सामने अपने हृदय को दे देना है यस सो बी अलॉट

एंड टाइम आई प्रे टू गॉड एंड क्रे आउट विथ लाउड ही सांझ को घोर को दोपहर को तीनों पहई दूंगा और कहराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा किंग डेविड प्रेड थ्री टाइम्स इन ए डे और जो राजा दाऊद था उन्होंने तीन बार दिन में दिन में प्रार्थना किया एंड डेनियल चैप्टर 6 वर्स 10 और दानियल का छठा अध्याय 10वां वचन प्लीज रीड सिस्टर डेनियल चैप्टर 6 वर्स 10 <coughs> जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी उप, उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेके प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही तब भी करता रहा यस सो व्हाट इज हिज हैबिट थ्री टाइम्स

हम जो है वो कहानी को जानते हैं की एक जो हस्ताक्षर कर दिए गए थे एक बार जो राजा के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो जो नियम है वो बदला नहीं जा सकता

और परमेश्वर के डरवै की तरह उसने खुले खुले होकर के प्रार्थना करी एंड uh, so uh, of praying गॉड थ्री टाइम्स और उसकी भी यही आदत थी कि वो तीन बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था एंड जो चैप्टर वन वर्स ट्वेंटी एंड ट्वेंटी टू सॉरी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन जॉब चैप्टर ट्वेंटी

Uh, भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा अह uh, uh, योहावा ने दिया और योहावा ने ही ले लिया योवा का नाम धन्य है यस व्हेन जॉब लॉस्ट एवरीथिंग ही गिव थैंक्स एंड वर्शिप गॉड जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया तो परमेश्वर का धन्यवाद किया बट मेनी ऑफ अस इन द अगर हम कुछ खो देते हैं या हम जिससे प्रेम रखते हैं उसे खो देते हैं तो हम कुड़कुड़ाते हैं यू सी देट इज एन एग्जाम्पल माई डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और ये एक उदाहरण है भाई और बहनों एंड एक्ट चैप्टर सिक्सटीन वर्ड ट्वेंटी फाइव प्रेरितों के काम सोलह अध्याय। हैं प्लीज रीड सिस्टर सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव अध्याय पच्चीस वचन आधी रात के लगभग पॉलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुओं ने उन्हें बंधे बंधुए उन्हें सुन रहे थे यस एंड व्हाट सिचुएशन they prayed and worshipped God. Inner they were uh, locked in inner jail. They were beaten by rods. So many beaten and the blood is uh, uh, going on, uh, coming from their body. There Many stripes. At that time also midnight they are praying and worshipping, singing songs. और उस समय उन लोगों ने बहुत उनकी कठिन परिस्थिति थी. उन्होंने बहुत मार खाई थी. और आ, और इस परिस्थिति में भी वो आधी रात के समय में परमेश्वर का भजन गा रहे थे तो दिस ऑल दिस थिंग्स वी में कम टू नो दैट इन डिफिकल्ट टाइम्स आल्सो वी हैव टू गो टू गॉड एंड प्रे और इन सब चीजों से हम ये सीखते हैं कि कठिन परिस्थितियों के समय में भी हमें परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए दैट टाइम वी कैन गिव थैंक्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और उस समय हम परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं तो जीसस टोल्ड लूक चैप्टर 18:1 दैट प्रे ऑलवेज और यीशु मसीह ने लूका के अठारह अध्याय के एक वचन में कहा कि हमेशा प्रार्थना करते रहें। फर्स्ट तस्लोनियन चैप्टर फाइव और सेवेंटीन प्रे विदाउट सीसी। पहला तस्लोनियों का पांचवा अध्याय बिना रुके प्रार्थना करते रहें। तो so, हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए ब्रदर जैक टोल्ड प्रेयर मस्ट बी लाइक अवर ब्रीथिंग ब्रदर जैक ने कहा है की प्रार्थना हमारी सांस लेने की जैसा होना चाहिए

और लूका का 16 अध्याय में यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना करी जब उन्हें अपने चेलों को चुनना था तब दिस आर द सम एग्जांपल्स टू हाउ टू प्रे एंड हाउ टू टेक टाइम टू प्रे और ये सब एक उदाहरण है कि कैसे प्रार्थना करना है कैसे समय लेना है प्रार्थना करने के लिए एंड

फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा हे इब्राहिम इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर योवा आज यह प्रकट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और तेरा दास और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं yes. so, this story also we all know that, uh, 18 whole chapter if we read that uh, story we will know and that uh, uh, prophet's of 450, prophet's of Pawal, prayed from uh, from morning to evening but uh, there is no answer from the their god अध्याय को पढ़ के सौ पचास जो आ, बा, आ, बाल के जो नबी थे उन्होंने प्रार्थना किया सुबह से लेके शाम तक पर कुछ भी नहीं हुआ बट uh, Elijah

With faith. और जो प्रार्थना है वो हमें विश्वास से करना है जी सर टोल्ड यू प्रेफर समथिंग एंड यू टेक इट यू रिसीव एंड गिव थैंक्स और रीशु मसीह ने कहा कि ऐसे प्रार्थना करो कि आपने उसे पा लिया है और उसके लिए धन्यवाद करो सो प्रेयर इज प्रेयर विथ फेथ इज इम्पोर्टेंट और प्रार्थना करना और प्रार्थना विश्वास के साथ करना जरूरी है बिकॉज़ फेथफुल फेथ फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि विश्वास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इफ यू हैव जीसस टोल्ड इफ यू हैव अ फेथ लाइक अ मास्टर सीड इट विल मूव माउंटेन और यीशु मसीह ने कहा अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो वो पहाड़ को हिला सकता है चंगा किया, उन्होंने पूछा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ yes, और जितने भी यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाए उन्होंने कहा की हाँ परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आप हमें चंगा कर सकते हो जीसस आल्सो हील्ड एंड टोल्ड एज़ इट इज एज़ अकॉर्डिंग टू योर फेथ अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट विल बी डन और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि तेरा जैसा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए सो हाउ मच इंपॉर्टेंट फेथ इन प्रेयर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और कितना जरूरी है विश्वास प्रार्थना में भाई और बहन जी जॉन uh, चैप्टर 15 में लिखा है, अगर मेरे बचन बने रहते हैं तो जो कुछ तुम उससे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा इफ गॉड, अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड रिसीव डेफिनेटली अगर हम परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे हम उसे निश्चित ही पाएंगे These are... Uh...